अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम हो गया शफीक आसिफा व्लॉग में। तो आज का 14वां शहरी आप लोगों को मुबारक हो। हाँ, 14 ना, 14 शहरी, 14 शहरी आप लोग को, 14 रोज़ा। हाँ सॉरी, तो आज मैं शहरी में वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत नींद आ रही थी और मैं फटफट खाया और सो गया नमाज पढ़ के। अब मैं वीडियो नहीं बनाया, मतलब आज बाहर लड़के लोग भी नहीं मिले, बच्चे लोग बोर भी हो रहा था जब तक। हाँ, आज हम लोग ने चालू ही नहीं किए, मतलब शहरी। हाँ, तो आज बच्चे लोग भी नहीं थे साथ में कि जो बाहर लोग के जाऊँ, तो मैं बोला जाना तो आज नहीं, दिन में स्टार्ट करते हैं। मैंने बंद किया तो मैं भी जा रहा हूँ महाड़ा। क्या करने, क्या मालूम, ऐसे थोड़ा घूम के आता हूँ, थोड़ा फूड वूड मिलेगा तो लेके आता हूँ। जा रहा हूँ आसिफ के अकाउंट से पैसे निकालने, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, बर्दाश्त की बीमारी का पार हो चुकी है। तो हम जा रहे हैं अभी आसिफा के अकाउंट की वाट लगाने। कुछ नहीं होता, जरूरत में पैसे ही काम आते हैं। हाँ, तुम्हारा चलो कुछ साल में जब आएगा तो बोला वहाँ कन्वर्ट कर लेंगे। आज थोड़ा होम टूर भी दिखा देंगे। हाँ, वैसे मुझे अभी फ्रिज साफ करनी है, फ्रिज मैंने बंद किया, अंदर बहुत बर्फ जमा हो गया है। मेरे फ्रिज में बहुत जल्दी बर्फ जमा हो जाता है, डिफ्रोज कर नहीं हो पाती है क्योंकि बीच में खराब हुई थी, बनवाई थी ना, तो बनाने वाले भाई ने तो उसका बटन ही काट वाट के पता नहीं ऐसा क्या कांड किए थे, बटन ही इसको परमानेंट कर दिया, वो परमानेंट ऐसा कर दिया कि वो डिफ्रोज होता ही नहीं है, वो ना घुमा के स्पीड उसकी कर सकती हूँ, बस खाली नाम का बटन है, तो पूरी बंद करके मेरे को करना पड़ता है। और देखो बिना फंके के देखो कैसे एकदम दो मिनट में पसीना हालत, तुम्हारा छोड़ो मेरी हालत खराब हो रही है, मैं वो काम कर रही हूँ। आसिफा पहले ना वहाँ पहुँचो, ठीक है, फिर कूलर वहाँ नहीं, पहले वो पहुँच के कूलर वहाँ, चलो ठीक है, तो आप अपना काम करो, मैं जाके आता हूँ, ठीक है, चलो। उमेर हमारा सो रहा है, देखो आइसक्रीम और पेप्सी बैठ गई है इसकी आवाज, ऐसी हरकत करेंगे तो क्या होगा, माँ बाप की नहीं सुनेंगे तो यही हाल होगा। तो हंसने सो रहा है अभी, तो अभी फैन चालू करता, बहुत गर्म हो रहा है यार, चलो फिर मैं जाके आता हूँ, चलो। आज बहुत गर्म हो रहा है, हालत बहुत खराब हो गई है, बट अल्लाह का शुक्र है कि कूलर है तो हमें कोई टेंशन नहीं है फिलहाल तो। बट अभी मैंने काम करी, बर्तन वर्तन धो रही थी तो एकदम अभी थोड़ी टाइम के लिए उसको बंद किया। दिन में खाली एक आध घंटा हम लोग चालू कर लेते हैं, जब ये टाइम पे गर्म बहुत होता है बाहर, अच्छा उजाला है अल्लाह का शुक्र है, बाहर हवा अच्छी है थोड़ी, तो मैंने सोचा आज हम कुछ कर नहीं रहे हैं, आज मैं कुछ बना भी नहीं रही हूँ घर में क्योंकि बहुत थक गई हूँ, तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों कल से पैर वगैरह मेरे बहुत दर्द कर रहे हैं। तो जानू ने बोला आज कुछ मत बनाओ, खाली खाना बना देना ताकि सहरी के लिए और रात के लिए हो जाए। तो अभी दाल चावल रोटी वगैरह सब मैं बनाऊंगी, भाजी तो रात को बनाऊंगी, आज भुर्जी बनाऊंगी, भुर्जी खाने बहुत मन हो रहा है इसीलिए। तो मैंने सोचा आज क्या करें, बहुत टाइम से बहुत से लोग मांग रहे हैं होम टूर होम टूर, तो चलो आज करते हैं हमारा होम टूर छोटा सा प्यारा सी। तो होम टूर आप लोगों को कैसा लगा बताना, ठीक है, और कुछ बुराई मत करना, जो भी है जैसा भी है हमारा है, अपना है, गलत नहीं लिखना, हमें तो पसंद है भाई, आपका हमें नहीं पता, बता रहे हैं कुछ गलत नहीं लिखना, मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स को पसंद आएगा, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी, जिन्हें अच्छा लगेगा कुछ छुपा रहे नहीं है, कुछ दिखावा नहीं है, जो है सो है, जैसा रहेगा वैसा दिखाऊंगी, कुछ ऊंच नीच कम ज्यादा नहीं, चलो देखते हैं। जानू जानू आप आगे रहना, जो बनो ना चलो ना दिखाते हैं, दो मिनट का तो काम हो जाएगा, चलो स्टार्ट करते हैं हमारी बाहर की छोटी बिल्ली से। ये हमारी सीढ़ी है और ये उसके साइड से चल के आने का हिस्सा, और यहाँ पे ये हमारी चप्पलें सब रखी हुई है, ये ऊपर का हिस्सा ढाका इसलिए है क्योंकि इसमें स्पेशल आपके भाई के जूते हैं जो बिल्लियाँ खराब कर रही है, और देखो इसके लिए यहाँ जगह बनाना पड़ा है क्योंकि ये बदमाश सारे जूते आजकल गिरा दे रही थी उमेर के। तो यहाँ हमारी चप्पल होती है और यहाँ नीचे हमारी यूज़ की चप्पल वगैरह है, ये बिल्लियों को सोने के लिए दिया था, बीच में इस पर हसनैन ने मुद दिया था, धो वो के रखा था, तो अब इस पर बिल्लियाँ बैठती हैं। ये हमारा पाइप है यूज़ का, ये एक्स्ट्रा हम गैलन भरने के लिए रखती हूँ, खाली है ये एक्स्ट्रा भरने के लिए रखती हूँ कभी पानी नहीं आया तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पर्दा, हमारा दरवाज़ा, और ये हमारे जानू, वेलकम वेलकम, हम आ रहे हैं अंदर, आइए आइए आइए, आ गई मैं आ गई। तो ये हमारा घर है, पहले तो यहीं से देख लीजिए, जाने से खड़े रहो, ऐसा वाला एक तुम्हारा शर्ट लूँ, दोनों हाथ, हाँ ले लिया। तो ये स्टार्ट होता है हमारे कूलर से, ये हमारा प्यारा कूलर है, मेरे कपड़े हैं, ये पीछे जानू का छोटा कबर्ड है
पहन के लटकाने वाला कपड़ा है हमारा। यहाँ पे हम हमारी जरूरत के सामान पाउडर्स वगैरह रखते हैं। हाँ। इसमें भी सब जरूरत के सामान, मेरे जानू का पुराना आईना, मेरा शेविंग का सामान, ये शेविंग का जानू का, उमेर का बैग वगैरह है, और ये हमारा न्यू लाया हुआ टेबल, इसमें हमारे टिश्यूज वगैरह है, और जो हमारे जरूरत के सामान सब, चश्मा वगैरह, ये वो क्रीम्स वगैरह जो भी है सब एक जगह मिल गया, हमने इसमें रखा। इसमें उमेर को खिलौने, पूरे कचरे उमेर के जो हमेशा बाहर यहाँ दिखते थे, हमने एक जगह इसमें सेट कर दिया। तो हमारा आधे आए इसमें, फिर भी है कि नहीं, पूरे नहीं आ पाए, जो भी है ये उमेर के खिलौनों का जगह है। और चलिए हम यहाँ दिखाते हैं, बहुत से लोगों को यहाँ कचरा दिखता है, तो हटा दो, उठाओ हटाओ, ये एक्चुअली सारे पूरा हटाओ हटाओ, एक्चुअली ये मेरा पूरा बिस्तर है, पूरा बिस्तर है, और जो नीचे इसमें है ना, इसमें सब गिफ्ट्स वगैरह थोड़ी रखी हुई है, और जो यहाँ साइड में ये दिख रहा है, ये मतलब एक्स्ट्रा बिस्तर है, जैसे कोई मेहमान आया तो तकिया वगैरह है, और एक्स्ट्रा बिस्तर है। और जो यहाँ पर है, आपको कचरे जैसा लगता है, ये मेरे जानू के वो है, मैच खेलने का सामान, फोन का बॉक्स वगैरह, जिम जाने का उनका बैग वगैरह, जो है अभी जा नहीं रहे हैं तो यहाँ डाल के रखी हूँ। और ये जो है हमको गिफ्ट्स में, मतलब आईटी प्रमोशन किया था इसमें, मैं इसका मैंने स्माइली पिलोज है, ये तो ये सब खराब ना हो तो ऐसा ढक के रखा है मैंने, बहुत ये मेरा ये मेरा शादी में आया सूटकेस है, इसके अंदर मेरे बहुत से सामान है, और मेरी आदत है, मैं देखो थैली वगैरह मेरे को जल्दी मिलती नहीं, मैं भुलक्कड़ हूँ, तो मैं ऐसा साइड में अटका के रखती हूँ कि निकालूँ और मार्केट जाऊँ। और यहाँ पे मेरे ये पूरे मेकअप के सामान है, एक्चुअली मेरा मेकअप का सामान बहुत है, अंदर भी है बाहर भी है, कहीं रखने की जगह नहीं है तो मैंने ऐसा रखा है। नए शूज वगैरह और मेरी मशीन, हेयर मशीन वगैरह उसमें है। और यहाँ पे हमारे कुछ पुराने पुराने, मतलब मेरी सिस्टर का ये कपड़ा, ये क्या हो गया ये क्या कर दिए आपने तो इसमें मेरी सिस्टर भी पहले आके रहती करती थी ना, तो वो कपड़े वगैरह वो सब संभाल के रखे हुए हैं, उसके उसके भी कुछ कपड़े हैं, वो आती नहीं है तो लेके जाती नहीं है, तो पड़ा हुआ है, उसको अंदर रखा है। और ये सूटकेस तो हमारा काम में आता ही है। और यहाँ पर है उमेर, और ये तो आपने टीवी देखी छे, ये हमारी पुरानी दहेज की टीवी है, हमारी प्यारी सी, ये भी सब जो हमको गिफ्ट्स मिले हैं एग्जीबिशंस वगैरह में, ये जितने भी है जानू के शूज़ वगैरह, जूते, और वो लुलूज वगैरह का जितना भी मतलब प्रोडक्ट है ना, ये सब सब गिफ्ट्स वगैरह है, जो मैं ऐसा ढाक के रखती हूँ, जो लोगों को गंदगी लगती है तो कोई नहीं। और ये हमारी प्यारी सी टीवी माशाल्लाह, ये हमारी ट्रॉफी, ये हमारा 50K गायब हो गया, और यहाँ पे हम अपने फोटोज़ वगैरह ये ऐसा रखते हैं, हमारा कैलेंडर घर का। हाँ ध्यान से पढ़ो, ये पढ़ो, सबसे अच्छी चीज है ये। हाँ ऐसा पढ़ो, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छा लगेगा। हमारा कैलेंडर है, और ये हमारा कबर्ड है, ओपन करो, हटो उमेर, उठ जाओ, उठ जाओ उमेर, थोड़ा सी ऊपर का खांचा जानू का, मेरा फेवरेट कोट है, ओ जानू बस हो गया, फेवरेट कोट है ये, जेब में हाथ डाल के पैसा निकालो ना नहीं मिल रहा हटो हटो चलो, ये मेरा फेवरेट कोट है, पर पहन नहीं पाता क्योंकि मुझे आता नहीं। हाँ ऊपर का खांचा मेरे जानू का है, है उमेर का है, नीचे का मेरा और आपका दोनों का, हम दोनों का है नीचे का। तो ये हमारा कबर्ड, ऊपर रखा हुआ है मैंने कुरान के ऊपर, अरबी किसने रखा, मैंने मना किया ना कुरान पे कुछ भी नहीं रखना, आप ही रखे रहोगे, कौन रख गया उतना ऊपर, हाथ किसका जाएगा आपके अलावा, बदमाश, उधर मत रखो, इधर रखो उसका, उसकी अरबी, उसको पढ़ता है वो डेली, ऊपर रहेगी तो पढ़ेगा नहीं, तो वहाँ मेरी जानीमाज और कुरान मैं हमेशा टॉप में रखती हूँ, जानीमाज ऊपर से ही निकालते हैं और यूज़ करते हैं। तो चलो देखते हैं आगे, ये हसनैन सो रहा है, हमारी शोनी सो रही है, ये हमारा दवा सेक्शन है, दवा सेक्शन इसलिए इसके अंदर मेरी कुछ पुरानी बुक्स वगैरह, मेहंदी में सीखती करती थी, तो ये इसमें वो बुक्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरी शादी से पहले की कुछ बुक्स है जो मेरी फेवरेट थी, जानू को पता है, उसमें इंग्लिश सीखने वाली बुक वगैरह भी थी, तो वो सब मैंने इसमें रखा हुआ है। और ये हमारा दवा का डब्बा है, और जो जरूरत की दवा एक्स्ट्रा है वो बाहर रहती है, दिन जानू की बताया। और ये हमारी कुछ फाइल्स है, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है, नहीं डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं, नहीं मतलब वो बैंक में नॉर्मल फाइल्स है, बच्चे का जो तुम्हारा पुराना पुराना, मेरा जेरोक्स वेरोक्स वो सब, कितना तो वसीम घर का एग्रीमेंट्स वगैरह, पुराने पुराने सब, पुराने वाले जो थे वो सब यहां पर हटाई नहीं, मैंने हटाना भूल गई। और यहाँ पर ये हमारा नया कबाड़ है, हमारा नया कबाड़ है, इसको देखो खुला के एकदम मस्त, ये जानू का खांचा, ये हमने 2500 में लिया था, 2500 रुपए में, मतलब 3000 में पड़ गया था लाके छोड़ने तक का, ये मेरा खांचा है, ये आसिफा का, ये उमेर का, और ये नया गिफ्ट, नया सामान, नए सामान में मीशो के जो पड़े, जो मेरे मीशो के कपड़े और जो गिफ्ट आए ना वो सारे उसमें,
ये हमने जो डीमार्ट से खाने की चीजें कुछ लाई है ना, अभी रमजान चालू हो गया, यूज नहीं कर पाते, नीचे रखूंगी। आजकल घर में गर्म की वजह से ना मूंगी बहुत आ रही है, क्योंकि कहीं कहीं जैसे दीवार में छेद है या सीमेंट छूट गई तो वहाँ से मूंगी बहुत आ रही है ना। और ये आसिफा का पुराना टेडी बेयर है, ऊपर पुराना टेडी बेयर है, ये हमारा सेक्शन है छोटा माँ बेटे का, गंदे कपड़े का नहीं, हम दिन में दो कपड़े जैसे पहनते हैं हम माँ बेटे दोनों, तो भाई वो तो जानू का छोटा कबाड़ है, वहाँ हम नहीं टंगा सकते तो हम लोग यहाँ डालते हैं, तो यहाँ भी जानू के कपड़े आ जाते हैं। ये हमारा ड्रम है, पानी नहीं है इसमें, कल भरेंगे। बच्चे लोग को भूख लगती है तो खाने पीने की चीजें यहाँ ऊपर रखी हुई, इसमें चिक्की वगैरह, चूड़े बेफर जो भी है, पापड़ वगैरह हमको तलने मिल जाए तुरंत सामने, मेरा मियोनीज और रुअफ़ज़ा वगैरह सब ऐसा ऊपर रखा। और यहाँ पे हमारे कप अगरबत्ती कप वगैरह, ये जल्दी यूज में नहीं आता मतलब ऐसा है, पर है। अभी बर्तन मैंने धो के रखे हैं और बर्तन बहुत सारे हैं, नहीं लगा पाती हूँ मतलब एक के ऊपर, क्योंकि जगह वैसी नहीं है, नहीं लग पाएगा, टोप बहुत बड़े बड़े, तो इसलिए ऐसा रखती हूँ। यहाँ पर हमारा दस्तरखान वगैरह रहता है, इसके अंदर जानू के थोड़े वो बनाने के वायर वगैरह, हथौड़ा पकड़ पकड़ और उमेर के बड़े बड़े बोल वगैरह है। फ्रिज खोलो। और यहाँ पे इसके अंदर एक मिनट, यहाँ पर इसके अंदर मेरे साबुन सरफ एक्स्ट्रा मतलब जो एडवांस में भराती हूँ वो, इसमें मेरे एडवांस के भराए हुए राशन, यूज के राशन एडवांस के भराए हुए मेरे टाकी में रहते हैं, मेरा पानी, ये मेरे यूज धुलने कपड़े, मेरा किचन, मेरे मसाले यहाँ नीचे रहते हैं और यहाँ नीचे रहते हैं मेरा। और ये व्हाइट व्हाइट चौक बिल्डिंग है उसके लिए, मूंगी के लिए, मूंगी के लिए, हाँ। मूंगी के लिए व्हाइट व्हाइट चौक है, नहीं नहीं बेसन गिर नहीं रहा, बेसन नहीं गिर रहा है। चलो, और हमारा कचरे का डब्बा, ये हमारी फ्रिज है, अभी फ्रिज को मैंने डिफ्रोस्ट किया है, अभी इसको मूंगी टूट गई है, खराब हो गई, मेरे जानू ने बनाई है, ये मेरे जानू ने बनाए, तो अभी इसको मुझको साफ करना है। नीचे मैं ऐसा रखती हूँ कोथमीर मिर्ची अलग, टमाटर अलग, बिल्ली लोग के लिए खाना है, बिल्ली लोग का खाना है, वो अभी शाम तक खत्म हो जाएगा। ये तो पूरा अभी क्लीन करना है मुझे। और ये हमारा वॉशरूम है, ये हमारा वॉशरूम, और हमारा जो टीवी का जो लकड़ी बचा था हमने उसको काट के यहाँ लगाया है, ताकि बहुत अपना सामान रख सके, सामान रख सके, बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत मस्त हो गया। हाँ। तो ये हमारा बाथरूम है और ये हमारा छोटा सा घर है। हाँ। तो हमने आपको दिया अपना होम टूर, इतने से घर में हम बहुत प्यार से अच्छे से रहते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत से लोगों को लगता है बहुत कचरा है, इधर 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 नहीं दिख रहा, और ये जो टीवी का जो लकड़ी का ये कटा हुआ था ना, ये जो कटा हुआ है तो उसको हमने वॉशरूम में लगाया ताकि सारा सामान रखने के लिए, है कि नहीं। हाँ। तो ये हमारा छोटा सा घर है, मैं जैसे भी रखती अपना घर बहुत प्यारा रखती हूँ, और साथ ही साथ में मुझे तो मेरा घर बहुत पसंद है, जिनको पसंद नहीं आता उनका मैं कुछ नहीं कर सकती, ना मैं उनके लिए कुछ और करूँगी, मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ चेंजेस अपने घर में कर दिए, बहुत ज़्यादा मैंने कुछ कर दिया, बहुत ज़्यादा खर्चा वगैरह भी कर दिया, तो कोई बात नहीं, मेरे भले के लिए था वो, बाकी जिनको समझ में नहीं आता उनका मैं कुछ बोल नहीं कर नहीं सकती। बाकी ये मेरा छोटा सा प्यारा सा घर है जो हमने खुद अपने हाथ से सजाया बनाया है, कलर हमने खुद किया है, अभी तो रोज़े चालू है, हमने सोचा था रोज़े से पहले फिर से एक बार थोड़ा कलर करेंगे, बट अभी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी रोज़ा ख़त्म होगा, रमज़ान ख़त्म होने के बाद में अभी अप्रैल मई तक में फिर बारिश आ जाएगी, और वैसे भी कलर करने के बाद भी पता नहीं क्यों दीवारों के कलर फिर से वैसे ही हो जाते हैं अजीब से, और वैसे भी दीवारें फिर से टूटने लगी हैं, तो देखेंगे इंशाल्लाह, अभी जानू रमज़ान में थोड़ा अगर वक्त मिलेगा उनको तो जहाँ जहाँ मतलब सिरमिक निकली है, जहाँ से मूंगियाँ वगैरह आ रही हैं धूप गर्म की वजह से, तो बेचारे अगर भर पाएंगे तो भरेंगे। मैं कैसा दिख रही हूँ, मैं आईने में खुद को देख सकती हूँ, ओके ओके जानू रेडी रहो, चलो मुझे रेडी कर रहा, मैं कब थोड़ी करूँगी रोजा हूँ मैं, चेंज का हाँ खाली कपड़ा पहनूंगी, चेंज करूँगी और नमाज भी पढ़ना है, आज काम के चक्कर में नमाज नहीं पढ़ी अभी तक मैंने, जोहर की तो मैंने पढ़ ली थी, अभी असर की नहीं पढ़ी। मैं क्या करती हूँ, दिन में थोड़ा ड्रेस चेंज होता रहता है मेरा, गर्म बहुत होता है इसीलिए कमीज पहनती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ फिर उतार के फिर टी शर्ट पहन लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है हद से ज़्यादा, और हम लोग कूलर दिन भर नहीं चलाते, बिल बहुत आएगी इसका मुझे टेंशन होता है इसीलिए तो हम लोग ज़्यादा नहीं चलाते। और आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना मेरा छोटा सा होम टूर, मैं जैसा भी है प्यारा सी है मेरा है यार, बाकी का कभी कभार बुरा लगता है, बहुत से लोग उल्टी सीधी बात बोलते हैं, दिन भर वीडियो बनाती रहती है, मेकअप करती रहती है, नमाज नहीं पढ़ती और घर नहीं साफ करती, घर साफ कर ले, छोटे से घर को भी साफ किया जा सकता है, हाँ मुझे भी पता है किया जा सकता है, सामान ज़्यादा हो तो रखने में हम एडजस्ट तब कर सकते हैं जब हमारे घर की दीवार वगैरह जो होती ना वॉल्स, ये दीवारें
वो अच्छी हो तो, मतलब कैसा, कितनी बार दिखाया आप लोगों को, हम लोग जो ये खीला वगैरह मारते हैं तो दीवार के साथ में थोड़ा बहुत हिस्सा निकल के आ जाता है, खीला ढीला लगता है, तो इसीलिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं लगा नहीं पाती हूँ, तो नीचे इधर उधर सेट में दिखती है, तो आपको गंदगी लगती होगी पर मेरे लिए मेरे यूज़ के सामान है, क्योंकि अंदर वॉशरूम में हल्के हल्के मारिए टूट जाते, बच्चों को भी पता है, तो आप भी अपना थोड़ा दिमाग लगाया करो, जो लोग टेढ़ा उल्टा बोलते हैं। आजकल मेरे चैनल पे एक पर्सन आया हुआ है, पता नहीं उसको क्या जलन हुई पड़ी है और क्या उल्टी सीधी बात लिख रहा है, तो कोई नहीं, जिसे बोलना है बोलते रहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम है आगे बढ़ना, मैं तो आगे बढ़ती रहूँगी और जलने वालों को जलाती रहूँगी और अपने चाहने वालों को अपने साथ लेके हमेशा चलूँगी, इंशाल्लाह उन सबके लिए दुआ भी करती रहूँगी। तो फिर चलो चलते हैं, तैयार होते हैं, नमाज पढ़ते हैं और जाएंगे बाहर अफ्तारी और सामान लाने। भीड़ भड़कम, यहाँ जब आते हैं भीड़ ही नजर आती, क्या बोलते जानू, अरे बाप, हाँ ले लो यहाँ से, ले लो कहीं से भी ले लो, इधर को याद नहीं है, सारी चीजें यहाँ है मेरे हाथ में, बच्चे लोग गाड़ी में नहीं तो बच्चे लोग दौड़ा रहा था, क्या भगा रहे थे तुम क्या भगा रहे थे, बच्चे तुम्हारे को क्या भगा रहे थे, वो देखा मैंने, देखो ये मोहल्ले के सारे बच्चे भगा के फिर घर जाएंगे, उन्होंने गाड़ी का वीरा सब टेढ़ा कर रहे लोग बैठे बैठे गाड़ी से। हाँ नहीं, आंख पे गिरने का डर है ना गाड़ी, इसीलिए मेन चीज तो वो है। देखो यहाँ का सीनरी तो दिखेगा नहीं आप लोगों को, दिखेगा वो धूप, देखो कैसा सूरज ढल रहा है। हैप्पी बर्थडे, आज उसका बर्थडे है दीवाने का, आज उसका बर्थडे है, अरे उतार के बैठा है, तो वही सोच रहा है मैं आज क्यों आया, तेरे लिए केक रखा पीछे लाऊंगा, तो ये इनकी आदत है, ये चलते फिरते सबको ऐसे उंगली करते हैं, छेड़ते हैं। जानू ओ माय गॉड, जानू वाला हंसो। चलो हमारी इफ्तारी आ चुकी है और आज माशाल्लाह इफ्तारी बहुत अच्छी आई है ना आतिफा, उमेर इफ्तारी, तो आज हमने लाए हैं लेग पीस और लिए पराठा, मतलब वो भजिए वजिए खा के बहुत परेशान हो गए हम, है कि नहीं आशीफा, और वही पैसा भजिए में चले, उतना ही पैसा लग जाते हैं, सेम कल मैंने एक यूट्यूब पे देख रहा था, हाँ एक आदमी एक डॉक्टर बच्चा खिलावा नहीं खाया, कैट फूड खिलावा नहीं खाया, फिर कुत्ता लच्छी कल लेग पीस चिकन लेग पीस चिकन लेग पीस, अच्छा। और मैंने लाया हूँ ये नान चाप, मेरा फेवरेट चाप नान, इसको दो एक साथ रखा है, अरे यार तो दो रखा है अलग अलग रखा, हाँ ये मुझे अच्छा लगता है ये वाला, एक बार वो छोटे 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 नहीं, इतने बड़े रहते हैं, आपके लिए थोड़ी साइज बदलेगा, मसाला डालो चला लो, और सब रेडी है, ये देखो आज ज़्यादा ताम झाम नहीं किया हमने, एकदम नॉर्मल चीज, एक्स्ट्रा नान लाई, हाँ नान खाने के मजा आ रही है, अच्छा लगता है, गरम करो ऐसे, नहीं नहीं ऐसे ऐसे, ओके तुमको क्या चाहिए बच्चा, तुमको क्या चाहिए, मैं मम्मू मेरी छोटी लाल मेरी, आशरबत में कुछ भी नहीं है, मैं बना दूं क्या, मैं बना दूं, बनाओ पर उसमें बनाऊं, ग्लास में बनाऊंगी, नींबू डालूं, हाँ चलो। तो हमारी आज की 14th इफ्तारी, 14 इफ्तारी की तैयारी हो चुकी है और सच चुका है सब माशाल्लाह, और उमेर और आसिफा भी रेडी है दुआ मांगने की तैयारी, क्योंकि अभी अजान होने वाली है बस थोड़ी देर में, और ये हमारी बिल्ली पागल हो चुकी है, इसके हाथ में एक पर आया है, ये देखो वो
वो उसका खिलौना ढूंढ के लाता है इसको, हाँ। मस्जिद पे से उससे वो नहीं लेने का कोई भी, नहीं तो दीवाना और हो जाता है। तो चलिए फाइनली आज का 14 रोजा भी कम्प्लीट हो गया है, देखते देखते आ जाओ आप लोग भी रोजा खोलने। इनके बिस्तर में कितना बड़ा छेद है। ये भालू हमारा छोटा था। अरे ओ भालू पगला गए हो क्या? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, हट जा बिस्तर जाने से। मेरा बिस्तर ऐसे ही है, मेरे वजह से फट जाता है क्योंकि मैं फैला के सोता ना पैर। शाबाश। तो इनको गद्दा चुपता है खाली खुद के लिए बिस्तर डाल के सोते हैं ये खाली इतने हिस्से पे, और मैं तो साइड में सोती हूँ गरीब औरत। मेरे को नहीं जमता भाई, मेरे को चुपता है। हाँ चुपता है, अभी दीवाना हुआ है इसको मिलेगा रात में 2-3 दोस्त तब सोए है ना। पिंपल आया है देखो कैसा वाला, अच्छा ना आएगा जब बुढ़ापे में पिंपल आता ही है ना। नहीं वो तुम्हारे को आता है, हमारा जवानी का पिंपल है ये मुझे। हाँ कौन सा जवानी भाई, जवानी खत्म हो जाती 15 साल में, इतनी खूबसूरत 18 साल में जवानी खत्म हो जाती, 30 साल में बुढ़ापा आता है। बोला ऐसा कुछ नहीं है, गलत फहमी में जी रहे आगे पास लड़की तो, और ये तो मुझको हमेशा आता है छुट्टी पे ही है लड़की औरत तो एक बच्चे। आई एम लड़की यू नो, नो यू आर नॉट, बच्चे की माँ होने से कुछ नहीं होता। यू आर द वुमन, वुमन एंड वुमन, वन बॉय वन वुमन, वन बॉय वन वुमन, एक बच्चे की माँ, क्या बोल रहे इंग्लिश, वन वन चाइल्ड ऑफ मदर, तो आज तो बापरे बहुत मजा आया। दिन में मैंने कुछ काम नहीं किया, तबीयत सही नहीं लग रही थी, लेटी पड़ी थी, पर ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, काम करना ही पड़ता है। रोटी बनाई पूरा इफ्तारी की सहरी के लिए, थोड़ा रात को सो भी गई थी, इफ्तारी हमने आज बाहर से लाई, फिर सहरी के लिए भुर्जी उर्जी बनाया इन्होंने पूरा, फिर पूरा 10 बजे थोड़ा सो के उठी, फिर मैंने इफ्तारी पूरा सहरी बनाया, मैंने दाल चावल भाजी रोटी भुर्जी बनाई आज, बनाई सब बना बना के किचन साफ करी, बर्तन वर्तन धो वो के हटाई, जमीन वमीन पोछा अच्छा मार के बिस्तर डाले, हम लोगों का हंसी मजाक मस्ती चल ही रहा था, और बच गया है रात के 3। तो चलो चलते हैं, हमारा तो दिन रात अभी कुछ ऐसा है ही नहीं, सोते कम है जागते ज्यादा है। तो हम यही सफर खत्म करते हैं चौथा रमजान का, चौथे नहीं अरे चौथा 14th रमजान का। तो आप लोगों का रमजान कैसा गया, रोजा कैसा जा रहा है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना ठीक है। हाँ। और हमारा होम टूर कैसा लगा वो भी बताना, वो भी बताइएगा होम टूर कैसा लगा, जो था वैसे दिखा दिए। हाँ, नहीं हाँ आज मैंने बहुत हफ्ते भर से मैंने सफाई नहीं करी थी, तो मैंने थोड़ा सफाई करी, और वैसे भी मेरी फ्रिज में यार हर 10-15 दिन में ना बर्फ बहुत ज्यादा जम जाता है, जब से खराब होकर के बनी है ना उसके बाद से, पहले इतना नहीं जमता था, तो मेरे को हर 10 दिन में उसको डिफ्रोज पूरा बंद करके पूरा बर्फ पिघला के पूरा वो करना पड़ता है क्लीन, तो मैं तो करती ही रहती हूँ। बाकी का आज दूसरे काम किए मैंने तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, थोड़ा टाइम भी निकल गया, अभी कल देखूँगी कपड़ा उपड़ा धोने वोने का करने का, क्योंकि वैसे भी पानी आज बहुत ख़त्म हो गया था, अभी गर्मी है तो पानी बहुत यूज़ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग सब नहाते धोते डेली नहाते धोते हैं ऐसा हो रहा है, पहले तो फिर भी चलो एक दिन आड़ से नहाते थे खाली आंग धोते थे, पर अभी तो डेली नहाना ही हो रहा है सीधा, वो भी दो टाइम, ये तो दो टाइम नहा लेते हैं, कभी सुबह में कभी दोपहर में, तब जा कर के मतलब थोड़ा सुकून मिलता है ऐसा हो रहा है। तो कोई एक बहुत बड़ी आहट है, हमारे पास कूलर है इसलिए हमको राहत है। नहीं मैच हुआ जान, क्या जिंदगी एक आहट है, हमारे पास कूलर है इसलिए हमको राहत है जान, मैच नहीं हुआ, मैच हुआ तो हम बैटबॉल खेलेंगे, मैच खेलेंगे चलो फिर। और मेरी उंगली सुन हो रही है कमजोरी की, जैसे कमजोरी हो रही है यार आजकल बदन में जानू, हाथ तो रोजा रखेंगे तो भूखे प्यासे नहीं तो ऐसे हो जाना। तो कोई नहीं, चलो अपना प्यार कमेंट प्यार यूं ही बनाए रखिएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। हाँ। आपका प्यार हमें यूं ही देते रहिए, और अदर्स को भी बोलिए हमें जानने हमें देखे, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप चाहते हो ना मैं केक काटूं सेलिब्रेशन करूं, तो 1 लाख कर दो। नहीं मैं केक काटूं नहीं काटूं, लेकिन हाँ केक काटूं मतलब अपनी है, हम किसी और को खिलाएं, अल्लाह का शुक्र अदा लेकिन हमेशा करती हूँ। हाँ। इन सब चीज़ों के लिए बहुत खुश हूँ इस मामले में, तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। हाँ। मेरे दोनों चैनल्स को लेकर के, और बहुत अच्छा भी लग रहा है, और क्या बोलूँ मतलब आप लोगों के लिए वर्ड्स नहीं है,
आज सारे कमेंट्स भी पढ़ रही थी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतना सारा प्यार मिलता है, सबको रिप्लाई भी दिया मैंने। अगर मुझसे कहीं कोई गलती हुई होगी, चाहे आप लोगों को कमेंट्स में या किसी चीज़ में, तो उसके लिए माफ़ी की दरख्वास्त है। और हाँ, कुछ को तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हूँ, बहुत सो के ऐसे कमेंट होते हैं ना जो कंटिन्यूसली आड़े टेढ़े नेगेटिव ही होते हैं, बहुत इग्नोर करती हूँ। जब एकदम लिमिट एकदम क्रॉस हो जाती है ना, फिर ना चाहते हुए भी रिप्लाई मुझे देना ही पड़ता है, फिर उनकी लैंग्वेज गंदी हो जाती है, फिर उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ता है। तो अदर्स उस चीज़ को लेकर के प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, दिल पे नहीं लगाइएगा, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ यार। अभी तो वैसे भी दुनिया ऐसी, आप रस्ते में चलते हो, कोई एक लाफा मारता है तो आप भी तो मारने खड़े हो गए, है कि नहीं? फिर भी हम तो बहुत कंट्रोल करते हैं, इतने टाइम से सुनते जो आ रहे हैं। बहुत से उसमें जब हार जाते हैं तो बोलते हैं कि जब तुझे सुनने की हिम्मत नहीं है तो चला भी मत, और अगर चला रही है तो सुनने की हिम्मत रख। तो मैं चला रही हूँ, सुनने की हिम्मत भी रखती हूँ ना, तो रिप्लाई देने की मुझ में ताकत भी है। और तुम में अगर सुनने की हिम्मत नहीं है तो ऐसे आड़े टेढ़े कमेंट किया मत करो, है कि नहीं? सही बोला ना जानू, क्या बात बोली हूँ, एक नंबर। तो ये रफा दफा करो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, 15वीं शहरी में, ठीक है? 15वीं शहरी में जो अभी 1.5 घंटे में हो जाएगी। हाँ, चलो फिर, तो हाँ बराबर, अल्लाह अल्लाह हाफिज है, मिलना हमको वापिस है, चिंगम खाओ चबा के, यूट्यूब चलाओ दबा के, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, अपना प्यार भी बनाए रखिए, अभी बहुत काम है एडिटिंग करके, अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल। और प्लीज मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स को कहना चाहूंगी, मैं सब भी ऐसे फालतू लोगों का कमेंट बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेती हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेती हूँ। कभी कभार बहुत मूड में होती हूँ ना, तो कमेंट करके उनके मजे जरूर लेती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। बाकी आप लोग सब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।